हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में शेयर करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये है पर्पल हार्ट और इसमें ये पिंक कलर के फ्लावर ग्रो करते हैं। ये 2.5 से 3 इंच का प्लांटर होगा, तो आप छोटे से छोटे प्लांटर में इनको लगा सकते हैं। तो इनकी आज हम आपको कटिंग बताएंगे कि आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो इस समय हल्की सी बारिश हो रही है, तो ये जो प्लांट होता है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसे धूप में ही ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो। ये धूप में बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी कटिंग आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी 4 से 6 इंच की कटिंग हमें लेनी है। इसकी जो भी लंबी स्टेम है इनको हमें हटाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ये लंबी, ये देखिए आप कितनी ही अच्छी ग्रो कर रही है। तो इस तरह के स्टेम निकलेंगी नई, तो ये ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो जो ये पुराने स्टेम है इनको आप हटाते रहें इस तरह से। अब यहाँ से नई स्टेम निकलेगी जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होगी और बहुत ही इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो इस तरह से हम ये कटिंग ले लेते हैं। ये जो नीचे की लीव है इसको हम हटा देंगे और हमें पहले ही होल कर लेना है, उसके बाद इसको इस तरह से रख देना है। और अगर आप चाहें तो एक साथ कई स्टेम लगा सकते हैं। तो हम 2 लगा के दिखा रहे हैं, आप 3 से 4 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसको हम दबा देंगे मिट्टी से दबा देंगे इसको हम। जब भी कोई भी कटिंग लगाए तो उसको इस तरह से दबा देना चाहिए, जिससे ये हिलेगी अगर तो हमारी जो कटिंग्स है वो ग्रो नहीं करेगी। तो इसी तरह से देखिए आप, इस समय बारिश हो रही है तो बारिश में आप कोई भी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। तो ये देखिए, हमने गुड़हल की कटिंग लगाई है, हरसिंगार की कटिंग लगाई है, सभी ग्रो कर रही हैं। तो इस समय आप जो भी चाहें वो कटिंग लगा सकते हैं। ये हमने सदाबहार का गुच्छा लगाया है, ये एक साथ कई पेड़ लगाए हैं, ये देखिए आप। इसे हमने पॉलीथीन बैग में लगाया है। इसी तरह से और भी हमने कटिंग्स लगाई हैं, ये देखिए गुड़हल की है, हरसिंगार की है, तो ये सभी ग्रो कर रही हैं। तो इस समय बारिश हो रही है, आप चाहें तो कोई भी कटिंग्स लगा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।